गिरिराज सिंह मुंगेर लोकसभा से ललन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं सर? हम बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, 2014 में मुझे पार्टी ने नवाजा थे और 2019 में मैं नवादा से लड़ना चाहता था, पार्टी ने बेगूसराय भेजा। नीलम देवी का भी चर्चा हो रहा है मुंगेर लोकसभा से। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बिहार में 400 सीटों पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा अब मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर छिड़ी हुई है, क्योंकि आज वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होने वाली है। आज वो वहां पर गरजेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहां से अभी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उनको इस बार पटकने के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगाने को तैयार है। एक लंबे समय के बाद मुंगेर की सीट पर बीजेपी आपको चुनाव लड़ते दिखाई दे सकती है, और उसी कड़ी में आज अमित शाह लखीसराय में अब एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन आज से पहले यानी एक दिन पहले लखीसराय में जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या बेगूसराय की जगह मुंगेर में ललन सिंह को पटकने वो मैदान में उतरेंगे, क्या बीजेपी उनको मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ाएगी, इस पर तो उन्होंने जवाब दिया ही। साथ ही साथ नीलम देवी जो कि वहां से मोकामा की विधायक हैं, अनंत सिंह की पत्नी हैं, उनकी दावेदारी को लेकर भी साफ बोल दिया, क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। गिरिराज सिंह मुंगेर लोकसभा से ललन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं सर? देखिए, पार्टी हमारे यहाँ प्रमुख होता है और पार्टी, हम नवादा के सांसद थे, हम बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, 2014 में मुझे पार्टी ने नवादा भेजा और 2019 में मैं नवादा से लड़ना चाहता था, पार्टी ने बेगूसराय भेजा। चिंता न करे, कल नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारे यहाँ व्यक्ति से ज्यादा कमल निशान का महत्व है। गिरिराज हो, विजय बाबू हो, राकेश सिन्हा हो, कोई भी हो, कमल छाप लेकर के आएगा वही मोदी जी का उम्मीदवार। क्या लगता है दादा, आप शिमला में बैठक होगा विपक्ष में? शिमला में बैठे या बॉलीवुड जाकर के बैठे, उससे कोई अंतर नहीं। दादा एक सवाल, नीलम देवी का भी चर्चा हो रहा है मुंगेर लोकसभा से? हमको आपसे कोई टिकट मांगने आया हो तब नहीं पता है, कौन कहाँ लड़ना चाहता है, हम सबका हाल चल बीजेपी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं एक सांसद हूँ, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। जो मैं, हाँ मैं तो अपने कंस्टिट्यूएंसी का नहीं जानता हूँ कि कौन कौन उम्मीदवार है नहीं है, इसलिए मैं सबका नहीं। तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने साफ ये बोल दिया है कि देखिए ये बीजेपी है, कमल छाप है, कौन कहां से लड़ेगा ये किसी को नहीं मालूम है। बेगूसराय से सांसद वो जरूर हैं, लेकिन बेगूसराय में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी उनको पता नहीं है। नीलम देवी के बीजेपी में आकर उम्मीदवारी देने पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए उनको कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि कोई भी आकर उनसे तो टिकट किसी ने मांगा नहीं है। तो नीलम देवी क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, किस पार्टी से लड़ेंगी, वे वही बता सकती हैं। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दी कि मुंगेर लोकसभा पर अभी तक बीजेपी के तरफ से चेहरा कौन होगा ये फाइनल नहीं हुआ है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और जब तय करके सूची आ जाएगी तभी पता चल पाएगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो मुंगेर लोकसभा में आज अमित शाह का संबोधन है और उसको लेकर मुंगेर लोकसभा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ललन सिंह 24 में बीजेपी को और कहिए कि केंद्र में मोदी सरकार को हराने का दम्भ भरते हैं, इसीलिए अमित शाह की नज़र अब मुंगेर पर टिकी हुई है। किसी तरह से ललन सिंह को चुनाव नहीं जीतने देंगे और बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां काम कर रही है। ऐसे में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में मुंगेर की सीट हॉट सीट होनी लगभग तय है और यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।